आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ईंट का पिलर किस तरह से बनाया जाता है 14 इंच का, ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, तीन वेरिएशन आपको बताने वाला हूँ, तीन तरीके से आप किस तरह से 14 इंच के पिलर को बड़ी ही मजबूती के साथ में और बड़ी ही आसानी के साथ में बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मसाला हमारा पूरा फैल चुका है, तो पूरी आपको दीवार बनाना नहीं बताऊंगा, बस आपको पाए बनाना बताऊंगा किस तरह का। आप तीन तरह से, तीन वेरिएशन से 14 इंच के पायों को बना सकते हो। तो पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, पहले हम कैसे बनाते हैं। ऐसे ईंट को रखते हैं 9 इंच में, ठीक है, 9 14 का पाया ऐसे रखते हैं। एक ईंट को यहाँ, एक यहाँ रखते हैं। तो पहला तरीका ये है दोस्तों, ठीक है। अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक ईंट यहाँ रखेंगे, एक ईंट को यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ईंट को रखेंगे, फिर हम एक ईंट को यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इस अध्याय को फिल कर, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा तरीका हमारा ये है, ये हमारा 14x14 का पाया बन गया है, ठीक है। ये हमारा 9x14 का पाया, ये भी 14 इंच का ही कहलाया जाता है दोस्तों। तीसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ किस तरह से पाया बनाना, ध्यान से देखिएगा। तीसरे में हम क्या करना है, इस तरह से एक कोना यहाँ पर लगाना है। ये हम दीवार नहीं बना रहे, ठीक है, ये पाया बना रहे हैं अलग अलग वेरिएशन में। इस तरह से हमने बनाया, इस तरह से बनाया। तीसरे तरीके से बता रहा हूँ, कोना लगाना है, एक कोना इसके बराबर से आपने लगाना है, एक कोना आपने इधर की तरफ लगाना है, ठीक है। अब ये तीन कोने हो गए, आगे की तरफ क्या करना है, फिर से हमें दो कोनों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, एक कोना यहाँ लगाना है आपको, दूसरा कोना आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। इसको पैक कर लेते हैं। अब सेकंड कोर्स में इसकी चाल किस तरह से काटनी है वो देखना ज़रूरी है आपके लिए, वो आप देख कर समझिए। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पैक कर लेना है। दूसरे अड्डे पर किस तरह चाल काटनी है वो आप समझ लीजिए। तो पहले हमने इस तरह से दो ईंटें यहाँ पर लगाई थी, एक ईंट यहाँ लगाई थी, इस पर इस तरह से आपने चाल काटनी है तो बहुत आसान है। इस तरह से आपने यहाँ पर एक ईंट लगा देनी है, एक ईंट यहाँ लगा देनी है इसके पीछे से, और एक ईंट आपने यहाँ लगा देनी है। तो आपको सॉल्व कर लेना, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बस समझा रहा हूँ, तो आपने सॉल्व कर लेना है एक साइड से, ठीक है। चाहे आप इस साइड से करें, चाहे आप इस साइड से करें, इस साइड से आपने दो साइड से इस पर सॉल्व करना रहेगा, इस साइड से या इस साइड से, ठीक है। किसी भी साइड से आप कर लेंगे, दो साइड से आप सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से मिला लेंगे। अब ये दूसरे अड्डे पर हमारी चाल कट गई, इस पर किस तरह से काटना है वो आप समझ लीजिएगा। पहले हमने यहाँ पर इस तरह से लंबी ईंट रखी थी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक तिरछी ईंट रख देंगे, एक ईंट हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे ताकि ये चाल हमारी कट जाए। दूसरी ईंट आपने क्या करना है दोस्तों, इस तरह से रख देनी है दोस्तों। अभी तीसरी ईंट आपको यहाँ रख देनी है इस तरह से, और एक ईंट आपने यहाँ लंबी रख देनी है। बीच में फिर से हम क्या करेंगे, एक अद्धे को डाल देंगे, इस पर भी आपने सॉल्व कर लेना है, सामने से या साइड से, किसी भी साइड से आप दो साइड से सॉल्व करेंगे। तीसरे पर किस तरह से चाल काटनी है वो भी आप समझ लीजिए। ये हमने पूरा पोनों का बनाया था, ठीक है, तीन पोने हमने यहाँ पर इस तरह से लंबे ऐसे तिरछे रखे थे, और दो पोने हमने इस तरह से यहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है। आपने चाल कैसे काटनी है, अब आपने जिस तरह से पहले रद्दे में आपने यहाँ पर पोने लगाए थे ना, अब ये वाले पोने इस साइड में आपको लगाने हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, ताकि इस पोने में और इस पोने में ये चाल हमारी दब जाए। यहाँ पर आप रख लेंगे, अब ये बीच में हमारा जॉइंट है, यहाँ पर आप रख देंगे, यहाँ पर आप रख लेंगे, एक पोना आप यहाँ लगा लीजिए ताकि हमारी ये चाल भी कट जाए, दूसरा बोना आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी आप समझ गए, अभी देख लीजिएगा दोस्तों, आप तीनों वेरिएशन मैंने आपको बता दिए किस किस तरह से आप चाल बना सकते हैं। आपने इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये 14x14 के हमारे दोनों पिलर हैं, और ये हमारा 9x14 का कहलाता है, लेकिन ये भी हम इसको भी हम 14 इंच ही बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने दूसरे अड्डे पर चाल काटनी, इसको पैक कर लेते हैं, सोल आपने साइड से कर लेना है। तो दोस्तों, पाए हमने बहुत अच्छी तरह से पैक कर लिए, तो आप देख लीजिएगा इस तरह से आपने इसको बनाना रहेगा। पहला रद्द आपको इस तरह से लगाना है, दूसरा इस तरह से लगाना है, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करना है। हर बार आपने हर सेकंड कोर्स में आपको चाल रिपीट करते जाना है, यानी कि जो आप पहली चाल यहाँ लगाएंगे सेकंड कोर्स में वो चाल आपको पीछे ले करके जानी है, ठीक है। इस तरह से आपने हर पाए में करना है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको, सॉल्व आपने ज़रूर कर लेना है, साइड से आप कीजिएगा, इस साइड से आप कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने जो भी आप पिलर बनाएंगे दो तरह से आप सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पैक करना रहेगा, भरना रहेगा, मजबूती के साथ में इस तरह से आप पिलर को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।